कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। इसमें मेरी हाथ की सफाई नहीं है, प्रोग्राम की सफाई है। मैं यदि यहाँ से निकल जाऊँ और दूसरा आम आदमी आके डेमो करेगा तो भी इसको मैनिपुलेशन दिखेगा। और ये मेरा प्रोग्राम आप भारत के 10 लाख वीवीपैट में डाल दो, पहले से डाला हुआ है, तो 10 लाख वीवीपैट आपको ये कमाल करके दिखाएंगे। तो फिर से मैं वोट देता हूँ केले को, तो आप देखिए कांच के आर पार आपको क्या दिखा। आपको पहले वोटर को केला दिखा, 6 सेकंड तक लाइट जली, उसको संतुष्टि हो गई, वो आगे निकल गया। अब दूसरा वोटर खड़ा है, अब वो दूसरा वोटर मानो केले को वोट देता है, तो वीवीपैट ने कागज का पर्चा छापा, लाइट करके दिखाया, कागज का पर्चा केले का ही है, तो दूसरा वोटर भी कंप्लेन नहीं करेगा। तो इसमें से 2 केले के पर्चे निकलने चाहिए थे, लेकिन आप देखिए कौन सा पर्चा निकलता है, केले का सिर्फ 1 निकला, 1 एप्पल का। तो ये जादू कैसे हुआ कि ये पुराना वीवीपैट है जून 2017 के पहले का। इसमें आप देख सकते हैं कांच का रंग सफेद है, आर पार दिखे वैसा सामान्य कांच है, कलरलेस ट्रांसपेरेंट। और ये वीवीपैट जून 2017 के बाद का, उसमें कांच का रंग काला है और आगे से आईना है। ये मैं फोटो ले रहा था तो लाइट चालू थी, तो इसने पूरा फोटो लाइट रिफ्लेक्ट कर दिया। आप देख सकते हैं इसमें मेरी उंगलियां और मेरे मोबाइल का फोटो आ गया और ये कांच में, और अंदर से पीछे से कांच है, यानी पीछे जब लाइट होगी तभी दिखेगा कि कागज पे क्या छपा है। तो ये काले कांच से क्या फर्क पड़ता है बताता हूं। आइए देखिए, ये वीवीपैट अभी खाली है, तो अभी मैं ये खुला रखूंगा आपको समझाने के लिए। मैं केले को वोट देता हूं, केले को वोट देता हूं मैं। तो अभी इसने केला छापा, लेकिन अभी दिखेगा नहीं, लाइट बंद है। अब लाइट चालू हुई तभी दिखेगा, क्योंकि ये कांच का रंग काला है और आगे से मिरर है। अब लाइट बंद हुई, लेकिन इसको वोट चोरी करना था, इसलिए प्रोग्राम ने क्या किया, केले का पर्चा छापा था लेकिन काटा नहीं, छापा लाइट चालू की, वोटर को दिखाया लेकिन काटा नहीं। अब क्या किया, दूसरा वोटर आया, उसको ये पर्चा दिखेगा नहीं क्योंकि कांच का रंग काला है और आगे से आईना है। अब मैं खुला रखता हूं, दूसरे वोटर ने केले को वोट दिया, तो वीवीपैट ने क्या किया, इसने सिर्फ लाइट चालू की, इसने छापा कुछ नहीं, यानी पहले वोटर का पर्चा पहले और दूसरे दोनों को दिखा दिया। अब कांच काला है, दिखेगा नहीं, लाइट बंद हो गई, देखते हैं अंधेरे में क्या करता है। अंधेरे में एप्पल छापा, लेकिन ये एप्पल छापा वो दिखेगा नहीं क्योंकि कांच का रंग काला है, तो एप्पल छाप दिया। तो फिर से मैं बताता हूं कि ये वोट बदली कैसे हो रही है, कागज के वोट की बदली। कागज की वोट की बदली ऐसे हो रही है कि पहला वोटर आता है, मान लो वो केले को वोट देता है, तो वीवीपैट केला का पर्ची छापता है, लाइट चालू करके दिखाता है, लेकिन पर्ची को काटे बिना लाइट बंद कर देता है। और पहले वोटर को पता नहीं है कि पर्ची कटी नहीं, दूसरे वोटर को भी पता नहीं है कि भाई पीछे पहले से एक पर्ची छपी हुई है। अब दूसरा वोटर मानो केले को वोट देता है, तो वीवीपैट क्या करता है, सिर्फ लाइट चालू करके दिखा देता है। तो लाइट चालू की तो कांच के आर पार केले की पर्ची दिखी, अब लाइट बंद हो जाएगी, बंद हो गई लाइट, अंधेरा है, तो अंधेरे में क्या हो रहा है, किसी को दिखेगा नहीं, अंधेरे में उसने एप्पल की पर्ची छाप दी, लेकिन ये एप्पल की पर्ची छापी वो दिखेगा नहीं क्योंकि कांच का रंग काला है। अतुल भाई से आ वक्त अतुल भाई तुम्हें तरबूज में बोला, हाँ હવે જો અહીંયા શું છપાઈને દેખાય છે અતુલભાઈ, આપ જુઓ શું દેખાય છે, તડબૂચ દેખાય, હા બરાબર, તડબૂચ, આ તડબૂચ દેખાય છે, થોડુંક આકૃતિ એ પ્રકારની છે, પણ લખ્યું છે તડબૂચ, અને હવે હું તડબૂચને વોટ આપું છું, હું બીજો વોટર છું, તો હું તડબૂચને વોટ આપું છું, તો આપ જુઓ મને શું દેખાય છે, મને પણ આને તડબૂચ બતાવી, બિલકુલ તડબૂચ છે, બરાબર, પણ અંદરથી વોટ શું નીકળે છે, આપણે એમ માનીએ કે 2 તરબૂચ નીકળવાના છે, પણ જુઓ 1 તરબૂજનો વોટ ચોરી અને 1 એપલમાં નાખી દીધો, બરાબર, નજર મારી સામે જ, અને મને ખબર કેમ નથી। તો ઇસસે જુડે કાફી સારે વાજિબ પ્રશ્ન આયેંગે કે મોકપોલ કેસે પાસ હો ગયા, ક્યોંકિ ઇસકે અંદર ક્લોક હોતી હૈ, ઈવીએમ કે અંદર ક્લોક હોતી હૈ, તો પ્રોગ્રામ કો બોલ દિયા થા કે ભાઈ વોટિંગ 30 અક્ટોબર 2021 કો હૈ, યાની 30 2021 તક જિતના ટેસ્ટિંગ હોગા, ફર્સ્ટ લાઇન ચેકિંગ હોગા, ફર્સ્ટ લેવલ ચેકિંગ હોગા, મોકપોલ હોગા, उसमें ये ईमानदारी से काम करेगा। प्रोग्राम को ये भी पता है कि 30 अक्टूबर को पहला राउंड 8 बजे मॉक पोल है, तो पहले राउंड में भी ईमानदारी से काम करेगा और सेकंड राउंड में 5000 वोट के बाद वो वोट बदली शुरू करेगा।
अब इसको कैसे पता चलेगा कि कौन से कैंडिडेट को एक्स्ट्रा वोट देना है एप्पल को तरबूज को, क्योंकि ईवीएम तो एक हफ्ता मतलब एक साल पहले मैन्युफैक्चर हुआ चुनाव के, एक साल दस साल पहले मैन्युफैक्चर हुआ। तो इसमें ऐसा होता है, एक प्रश्न जिसको वीवीपैट इलेक्शन कमीशन ने कभी जवाब नहीं दिया, लोगों ने पूछा नहीं, ये भी प्रॉब्लम है कि भाई वीवीपैट एक साल पहले मैन्युफैक्चर हुआ और चुनाव में कौन कैंडिडेट वन नंबर पे है टू नंबर पे उसका सिंबल क्या है वो डिसाइड होता है चुनाव के 15 दिन पहले। तो वीवीपैट को कैसे पता चल जाता है कि कैंडिडेट नंबर वन कौन है, टू कौन है, थ्री कौन है? तो वीवीपैट में एक फाइल अपलोड की जाती है, उस फाइल का नाम क्या है वो भी इलेक्शन कमीशन ने आज तक किसी को बताया नहीं। उस फाइल का नाम जो मैंने अनऑफिशियल सोर्सेस से पता लगा उसको कहते हैं कैंडिडेट फाइल सीएफ या कैंडिडेट सिंबल फाइल सीएसएफ। तो वो जो सीएसएफ वीवीपैट में अपलोड होती है चुनाव से 15 दिन पहले, वो सीएसएफ बनती कहां है? वो एक सर्वर में बनती है जिसको सीएसएफ सर्वर कहते हैं। वो सर्वर दिल्ली में है या बेंगलोर में हैदराबाद में मुझे पता नहीं है। तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहीं पब्लिश नहीं किया कहां है, अब वो सीएसएफ का सर्वर है वो उस फाइल में कमांड डाल देता है, पैरामीटर डाल देता है कि भाई चुनाव की तारीख 30 अक्टूबर 2021 को है। तो 30 अक्टूबर 2021 10 बजे तक ईमानदारी से काम करना, पहले राउंड में भी ईमानदारी से काम करना, सेकंड राउंड में 50 वोट के बाद इसमें कैंडिडेट नंबर टू को एक्स्ट्रा वोट देना, टू यानी एप्पल। तो वो कमांड है, पैरामीटर है, वो सीएसएफ कैंडिडेट सिंबल फाइल में डाल दिया जाता है। कौन डालता है? सीएसएफ का जो सर्वर है, सीएसएफ सर्वर है उसका प्रोग्रामर या उसका एडमिनिस्ट्रेटर। तो इस तरह से चुनाव के 15 दिन पहले वीवीपैट को सूचना दी जा सकती है कि चुनाव की तारीख और समय क्या है और किस कैंडिडेट को कितने परसेंट एक्स्ट्रा वोट देना है। अब मान लो कि कोई ऐसा बूथ है जहां पे एप्पल को कोई वोट ही नहीं देने वाला, तो फिर वो क्या करेगा? वो केले के वोट तरबूज में ट्रांसफर कर देगा। मतलब इसमें मैनिपुलेशन के बहुत सारे टेक्निक है, वो अलग अलग टेक्निक, बहुत लंबा हो जाए। ट्रांसपेरेंसी की बात, 24 घंटा इलेक्शन कमीशन चीखता रहता है, वहां सफेद कांच था तो वो कांच हटा के काला कांच क्यों रखा वीवीपैट में ट्रांसपेरेंसी के नाम पे? और दूसरा मेरा ओपिनियन है, काफी सालों से मतलब 1989 से कि ईवीएम नॉनसेंस चीज है, होना ही नहीं चाहिए। और वीवीपैट ने भी बता दिया कि ईवीएम कितना बड़ा नॉनसेंस है, कि ईवीएम इतना बड़ा नॉनसेंस है कि कागज का पेपर आने के बावजूद भी उसकी रिलायबिलिटी खत्म नहीं होती। और दूसरा पॉइंट मैं बताऊंगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि 25% वीवीपैट की गिनती होनी चाहिए, 50% वीवीपैट की गिनती होती है। मैं कहता हूं भाई 100% वीवीपैट की गिनती करने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि चोरी होगी और चोरी पकड़ी नहीं जाएगी। क्यों पकड़ी नहीं जाएगी? जैसे आपने देखा यहां पे दो वोटर आए, दोनों ने केले को वोट दिया, और वीवीपैट ने भी एक केला एक एप्पल छापा, कागज का पर्चा और जो इलेक्ट्रॉनिक वोट है वो भी बदल के एक केला एक एप्पल हो जाएगा। तो दोनों मैच तो चोरी होने के बावजूद भी दोनों डेटा मैच होने वाले हैं। तो 25% वीवीपैट की काउंटिंग करना ये बहुत ही टाइम पास बात है, ये बहुत ही फालतू बात है। आप वीवीपैट ईवीएम पूरा सिस्टम हटाने को सपोर्ट कीजिए, और काले कांच को हटाने की बात मैं क्यों करता हूं, क्योंकि जो वीवीपैट के समर्थक है वो आपको इस बात में भी सहयोग नहीं देंगे कि काला कांच हटा के सफेद रखना चाहिए। तो इस पॉइंट पे भी वो एक्सपोज हो सकते हैं। तो मैं समराइज करूंगा कि इलेक्शन कमीशन ने जो कांच का रंग बदला सफेद से काला, उससे क्या हुआ कि अंदर का प्रोग्राम यदि कागज का पर्चा मैनिपुलेट करता है, प्रिंटिंग मैनिपुलेट करता है, तो वोटर को पता नहीं चलेगा, बूथ के अंदर ही मैनिपुलेशन हो रहा है 10 लाख वीवीपैट के अंदर, और वोटर को दिखेगा भी नहीं। तो और ये कैसे होता है कि जब लाइट चालू होती है तभी अंदर का पर्चा दिखता है, तो जब दो वोटर आते हैं दोनों ने केले को वोट दिया तब मैनिपुलेशन होगा। और आखिरी सवाल कि मान लो केले के बाद तरबूज को वोट दिया होता तो वोट मैनिपुलेशन नहीं होता, लेकिन एक बूथ में 800 वोटर होते हैं तो कंटिन्यूटी 20-25% तो ऐसे ही आ जाएगी। और एक फैमिली के लोग यदि एक साथ जाते हैं, चार लोग जाते हैं और मान लो चारों ने केले को वोट दिया, तो पहले वोटर का छपा हुआ केला वो पहले दूसरे तीसरे चौथे चारों वोटर को बता के 3 एप्पल छाप देगा। तो इस तरह से कंटिन्यूटी जहां होगी वही मेरा प्रोग्राम चोरी कर पाएगा। और आखिरी सवाल कि सफेद कांच रखने से फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा अब, क्योंकि अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसको ट्रांसपेरेंट एलईडी बोलते हैं। आप गूगल कीजिएगा, ट्रांसपेरेंट एलईडी आने के बाद सफेद कांच होने के बावजूद भी मैनिपुलेशन किया जा सकता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ईवीएम हटाओ मूवमेंट को सहयोग। वर्तमान अकेडमी एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लासेस फ्रॉम नर्सरी टू 12th, स्मार्ट क्लासरूम्स, वाईफाई कंप्यूटर लैब, एडवांस्ड मैथ्स एंड साइंस लैब्स, वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी, बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर गेम्स, योगा एंड म्यूजिक। वर्धमान अकेडमी, रेलवे रोड, मेरठ।